अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयास, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है, और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़ फ्राहम करता है और आपकी फैमिली को भी तहफ़ फ्राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं, जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें, और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं, और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है, आफ्टर 20 इयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपये। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है, इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है तो आप अपने पास जो है 1,666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेफ करें, तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। 20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपये। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ तो ये फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी खुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा, या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा, या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके, इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2,500 रुपये सेव करते हैं, तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी, उस पर जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताया है पैकेजेस, इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं, वो सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला। ओके, बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपए वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं।
उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313-2618-209। आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मैं शारे फैसल पे फरहान होटल के बराबर में पंजाब पे आएंगे, उसके थर्ड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, आप आ सकते हैं। दिसंबर में पॉलिसी करवाने का एक बेनिफिट ये है, 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लेने वालों को एक बोनस दिया जाएगा जो उनके फाइल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा और एक बेस्ट आपका ये स्टेप होगा जिसकी वजह से आप जो है फ्यूचर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।